आईआईटी के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टाफ मेंबर हैं, वो एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि हर एक युवा अपनी स्किल्स को बढ़ाए और हरियाणा की तरक्की में अपने कदमों को आगे बढ़ाए। इसके लिए आईआईटी इंस्टीट्यूट का निर्माण किया गया है, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी और एसबीएस वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा मिलकर आईआईटी रेड क्रॉस इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हर एक फर्स्ट क्लास से लेकर स्कूल लेवल तक, कॉलेज लेवल तक और एक हाउसवाइफ से लेकर एक एक्स सर्विसमैन तक हर एक पर्सन को कंप्यूटर में, आईटी में उनको स्किल्ड करना, एडवांस आईटी के तौर पे उनको सब फैसिलिटी प्रोवाइड करना और साथ साथ मेन इंपॉर्टेंट चीज आज के टाइम में उनको स्किल लिखना, चलना, खाना पीना हर कहीं उसको प्रोवाइड हो जाता है, पर मेन उसकी विल पावर को बढ़ाने का जो काम होता है वो रेड क्रॉस आरआईटी के द्वारा किया जाता है। रेड क्रॉस आरआईटी के अंदर बच्चा अपनी कंप्यूटर आईटी एजुकेशन, एडवांस आईटी के साथ साथ बच्चा अपनी इनर विल, इनर स्किल को भी साथ साथ बढ़ाता है। और मैं यही आप आईटी के पूरा हमारे लोगों को आप ध्यान से देखें और ऑब्जर्व करें कि उन्होंने कितना कुछ सीखा है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो, माय नेम इज नरेंद्र, आई एम स्टूडेंट, माय फादर नेम इज श्री अजय सिंह, ही इज ए टू, आई हैव डन प्लस टू फ्रॉम रेड क्रॉस सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतक, आई एम आल्सो डूइंग एससीएएस कोर्स रेड क्रॉस फ्रॉम आईआईटी विद रोल नंबर 228, माय एम इज बिकम टू कंप्यूटर प्रोफेशनल, माय जर्नी विद आईआईटी वाज क्वाइट, आई वाज नॉट अवेयर अबाउट the computer and all other courses, here I got a best knowledge of IT, specifically MS Office, Excel, accounting and extra. Now I am able to type in Hindi, English and as well. मैंने यहाँ से CCS का कोर्स किया जो कि एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसमें मुझे 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सीखने को मिली, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम है जैसे कि MS Office, Excel, C language आदि, जो कि एक बहुत जरूरी ज्ञान है। कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास जो कि महीने में एक दिन होती है, पहले मुझे स्टेज पर जाने से डर लगता था, पर आईआईटी में आकर आईआईटी ने मेरे स्टेज को डर को दूर किया, और पहले मुझे मेरे लक्ष्य के बारे में पता भी नहीं था, पर आईआईटी ने मुझे मेरे लक्ष्य के बारे में बताया और मैं ये वादा करता हूँ कि साल 2022 तक मैं कंप्यूटर प्रोफेशनल बनकर दिखाऊंगा। हाउ टू विन पावर, इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति और कुछ नहीं, चुनाव शक्ति है। जब आप अपने बनाए हुए फैसलों में चुनाव देखना शुरू करेंगे तो आप इच्छा शक्ति का विकास कर सकते हैं। आलस्य को त्यागना, खुद को प्रेरित करना, अपने आप को प्रोत्साहित करना, छोटे दैनिक लक्ष्य को निर्धारित करना, हमेशा आगे बढ़ने की सोचें, आलस्य को त्यागना। अगर हम सही समय पर सही निर्णय लें तो हम विलम्ब न करें तो हम आलस्य को त्याग सकते हैं। अपने आप को प्रोत्साहित करना, हमें हमेशा अपने आप को प्रोत्साहित करना चाहिए कि आई एम द बेस्ट, खुद को प्रेरित करना, हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रेरित करना चाहिए। छोटे दैनिक लक्ष्य को निर्धारित करना, हमें हमेशा रोज के लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए और उसी हिसाब से पूरे काम को शाम तक पूरा करना चाहिए। हमेशा आगे बढ़ने की सोचें, हमेशा आगे बढ़ने की सोचें, सिर्फ आगे पीछे नहीं, और हमें हमेशा खुद से ये कहना चाहिए कि आज मुझे क्या नया सीखना है। हम अपना आईआईटी में एक उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ाओ और हरियाणा की तरक्की में अपने कदमों को आगे बढ़ाओ। फर्स्ट, आई एम द बेस्ट, सेकेंड, आई एम द स्मार्टेस्ट पर्सन, थर्ड, आई एम बेस्ट चेंज, फोर्थ, टुडे इज माय डे, fifth, I can do this, sixth, start up India, seventh, never give up, eighth, believe in yourself, ninth, I am the most we are, tenth, work for meaning, not for money, thank you.
हेलो एवरीवन, माय नेम इज दास सोनू सिंह, डायरेक्टर रेड क्रॉस आरआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड एसपीएस ग्रुप हरियाणा। एट आरआईआईटी वी फोकस मेनली ऑन द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। वी हैव डिजाइन वेरियस प्रोग्राम, डिफरेंट प्रोग्राम्स फॉर स्कूल गोअर्स, कॉलेज गोअर्स, हाउसवाइफ, वर्किंग प्रोफेशनल। वी फोकस मेन ऑन द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सो दैट स्टूडेंट बिकम market ready and so that they can get better job opportunity. And as you know, IT is the only thing which is desired in every kind of profession. So if anybody think of IT, then he or she should come to RIIT. क्योंकि RIIT कंप्यूटर पढ़ाने का नहीं, कंप्यूटर सिखाने का संस्थान है। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं वीडियो पर। आपको जाके खुशी होगी कि RIIT जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, ज़्यादातर 85-90% वहाँ बेटे ही पढ़ते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि RIIT ऐसा संस्थान है जो आपकी बेटी, बहन, बहू या आपकी माता जी के लिए बहुत एक अच्छा संस्थान है। आप भी ज़रूर आइए, कम एक्सपीरियंस इट, बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग यू हैव टू बी स्किल्ड एंड यू इफ यू नीड स्किल्स प्लीज कम टू RIIT। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम राकेश धीमान, मैं हरियाणा का टेक्निकल इंचार्ज टेक्रोस RIIT से। अभी आपने मेरे कुछ बच्चों की वीडियो देखी। ये हमारे RIIT के बहुत होनहार बच्चे हैं और इन्होंने इतना कुछ यहाँ से सीखा है कि आज मैं चाहता हूँ ये मुझे भी चैलेंज कर सकते हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े और IT में परफेक्ट हो। जय हिंद, जय भारत। RIIT मैनेजमेंट का, जिन्होंने मुझे ऐसा सुरक्षा प्रदान किया कि मैं आज कैमरे के सामने बोल पा रहा हूँ। और मैं अपने माता पिता का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे RIIT में एडमिशन दिलवाया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि RIIT एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ हर प्रकार की स्किल्स को निखारा जाता है। वास्तव में सभी का गुरुकुल है SBS। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ SBS वेलफेयर सोसाइटी का जिन्होंने जब तक मैं इस प्रकार के इंस्टीट्यूट का निर्माण किया। नमस्कार ब्राइन, आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ आप सभी हमारे व्यूवर्स से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर एक युवा के पास पहुँचाएं जो भी कंप्यूटर सीखना चाहता है और अपने आप को स्किल करना चाहता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।